91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं अनिमेश। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, संडे आप सभी के लिए एक सरप्राइज रहने वाला है। सरप्राइज है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर, मेरे बहुत ही करीबी, हम सबके करीबी, कोलकाता छेले जो मुंबई में जाकर इस वक्त धूम मचा रहा है, हम सबके फेवरेट अयाज अहमद। सरप्राइज मेरे लिए बिकॉज हम लोग इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल, लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डोंट नो, मैंने जब मैं बहुत सालों पहले इंटर्नशिप चालू की थी तो मेरे पहले जो गुरुजी थे जिन्होंने मुझे आरसीएस थोड़ा बहुत सिखाया, मैं इनके साथ बैठ के सीखा था। बिल्कुल यार, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि जब हमारे पुराने वाले रेडियो चैनल पे था तो वहाँ पे अयाज आरजे बन चुके थे। जी हाँ, उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। ओ, मैं ये भी भूल गया, मेरे आरजे हंट का पहला राउंड ऑडिशन भी आपने ही लिया था। बिल्कुल, मैंने लिया, ये मुझे याद है। अयाज का मैं स्वागत करना चाहूंगा, कोलकाता अपने शहर में इस वक्त आए हुए हैं और इस बार जजिंग करने वाले इन्विक्टस 2020 में कोलकाता का मोस्ट हैपनिंग फेस जिसे कहा जा रहा है, जिसे लेकर आए जेडी बिरला इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। हर साल ये जो फेस है इट्स बिकमिंग बिगर एंड बेटर, और इस साल अयाज यहाँ पर है जो जजिंग करने वाले फैशन राउंड को। कुछ बताना चाहोगे कि इसके लिए आप? मुझे एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, इतना पता है फैशन शो होने वाला है एंड आई हैव जज्ड फैशन शोज बिफोर एंड आई एम श्योर यहाँ का जो कॉम्पिटिशन है और जो स्टैंडर्ड है कॉम्पिटिशन का वो बहुत ऊपर होगा। बिकॉज एंड आई एम रियली सरप्राइज, मतलब हमारे कॉलेज के टाइम पे थे और भी कॉलेजेस थे और भी फेस्ट थे जिनके बारे में हम बात करते थे, हम तड़पते थे वहाँ जाने के लिए पासेस के लिए, बट जे डी बिरला हैज रियली डूइंग रियली गुड दिस ईयर। द काइंड ऑफ आर्टिस्ट लाइनअप इन्होंने जैसे जैसे रखा हुआ, जैसे जैसे इनका ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्रेडिबल, वेरी क्रेडिबल, बहुत अच्छा होने वाला है फैशन शो को इस वक्त जज करने वाले हैं। एज मैं जानना चाहूंगा आपसे, जैसे ये आज ही शुरू हुई थी, साथ ही साथ MTV रोडीज सिलेक्ट कर लिया गया, तो मुझे बताना चाहोगे, हम सब जानते हैं वो स्टोरी, लेकिन वो ऐसी एक स्टोरी है जो यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा हिट करती है, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि जो ग्रोथ देखा है मैंने अयाज का, फ्लोर जीरो से टॉप फ्लोर तक जाना, शुरुआत ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पे एक चाह तो होती है जब आप भी आरजी बनने जाते होंगे तो होता है कि मैं ये मैं कर सकता हूँ या इसके लायक हूँ या उसमें जो थोड़ी बहुत पॉलिशिंग चाहिए होती है मैं उसको वर्क करूंगा, क्योंकि आप सीख के तो कुछ आते नहीं। था एक सपना बॉम्बे जाने का, एक्टर बनने का, और मेरे पास दो ही ऑप्शन थे उस वक्त। उस जमाने में अगर आप किसी एक्टर या प्रोड्यूसर के बेटे नहीं है तो ओनली वे यू कैन गेट इनटू इंडस्ट्री वाज ग्लैड रैक्स, उसके लिए हाइट नहीं थी, और दूसरा था रोडीज, बिकॉज रोडीज काफी पॉपुलर था। अभी भी आई डोंट वॉच इट, बट या सो दैट वाज द होल थिंग, और उसके लिए मैं ऑडिशन के लिए गया एंड लकीली आई वाज सिलेक्टेड फ्रॉम कैलकटा, एंड उसके बाद अपने आप चीजें ना बनती गई। मतलब मैं वापस कैलकटा आने के बाद भी मुझे बॉम्बे से कॉल आने लगा, लोगों का फोन आने लगा कि अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो पाए। मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी एंड जो कुछ भी सीखा मैंने एक्टिंग में या जो भी अपने करियर में बनाया वो ऑन द जॉब सीखा है मैंने। तो आई थिंक डिजायर था, रास्ते नहीं थे, रास्ते अपने आप बन जाते हैं लेकिन आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात की है, और हमने देखा कि उसके बाद बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स में अयाज नजर आने लगे, अच्छे अच्छे किरदार करने लगे, पहले सपोर्टिंग रोल के बाद लीड एक्टर बन गए, और लीड एक्टिंग में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है और अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो बताना चाहूंगे उसके बाद जो मिलते गए सीरियल्स एक के बाद एक अच्छे से सीरियल्स में काम किया। देखिए अगेन वही चीजें होती हैं, मेरे बॉम्बे जाने के बाद मेरे ऊपर कोई किसी फादर फिगर का हाथ तो था नहीं, और करना बहुत कुछ चाहता हूँ जिंदगी में अभी भी जो कुछ नहीं कर पाया हूँ, बट वही है कि आप एक डिजायर रखते हो, आप एक उम्मीद रखते हो कि ये मुझे करना है, और उसके बाद आपको डेस्टिनी जो ऑफर करती है उसमें से आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कितनी मोहब्बतें हैं शुरुआत हुई थी, उसके बाद आपने अगर हम बोले संतोषी माँ लीड रोल आपने किया, उसके बाद अग्निपेरा जिसके बारे में हमने बात की, संतोषी माँ अपेरेंटली मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इट वॉज नॉट ऑन माई लिस्ट, बिकॉज क्योंकि मुझे लगा माइथो शो होगा और मुझे माइथो नहीं करना था ऑनेस्टली। मुझे भी एक अलग पहचान हो जाती है, जो पहचान हो जाती है, एंड उन्होंने भी जब कन्विंस करने का कि माइथो है लेकिन आप माइथो में नहीं हो, आपका जो रहेगा मॉडर्न डे नॉर्मल अवतार रहेगा, बिकॉज इट्स अ सोशियो माइथो शो, आपका फिलहाल सोशियो मैटर्स में होगा कि घर में क्या चलता है, घरों में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब चीज़ का। फिर भी मैंने कहा नहीं यार, फिर भी जैसा थिंग अटैच टू इट कि यार ये तो डेली सोप ही रहेगा, एंड मुझे बहुत कन्विंस किया गया था चैनल की तरफ से, एंड देन फाइनली सेड यस एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल शो। आई एम रियली हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ संतोषी माँ, बिकॉज उससे काफ़ी रिकग्निशन मिली मुझे, काफ़ी पैसे कमाए उससे, मुझे संतोषी माँ की कृपा से मैंने बॉम्बे में खुद का घर लिया। तो ये होता है चीज़ें, कभी कभी आप चाहते भी नहीं हो लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ाते हो और चीज़ें आपके लिए बहुत। लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, आपको क्या रिस्क लेना हमेशा जरूरी है, टू बी ऑनेस्ट, समटाइम्स यू फेल एंड व्हेन यू फेल यू लर्न, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और रिस्क लिया याद ने, इसीलिए आज इस मुकाम पर भी पहुंचे हुए हैं, एक से एक अच्छे अच्छे रोल्स कर रहे हैं। शक्ति में लास्ट समय आपको शक्ति में भी देखा था, तो इसके बाद क्या प्लान किया है, क्या करने वाले हैं?
अभी मैं अगर लेमैन टर्म में बताऊंगा तो अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ दो तीन रीजन की वजह से. एक तो पर्सनली आई एम वर्किंग ऑन समथिंग ऑन माई सेल्फ एंड काफी बहुत ज्यादा मैं बीच में बिजी हो गया था, तो थोड़ा टाइम जरूरी होता है अपने लिए भी. और आजकल मैं लिख रहा हूँ, जो छोटी मोटी शायरी आपको पढ़ने को मिलती है इंस्टाग्राम पे वो है. इसके अलावा आई एम राइटिंग ऑन अ स्क्रिप्ट, एक स्टोरी जो ऑलरेडी तैयार है जिसको मैं स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें चल रही. और एक्टिंग में अब जाके मैंने एक वो डिसीजन लिया है आके लाइफ में कि अब जो मिलेगा और मैं कूद नहीं जाऊँगा, मैं वेट करूँगा अच्छी चीज़ों के लिए. जो मैंने कहा था कि जो आप करना चाहते हो दिल से, तो अब मैं थोड़ा उसके लिए वेट कर रहा हूँ थोड़ा. बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा नए सरप्राइज का, कि अलग चैलेंजिंग रोल में नजर आएंगे. वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि नॉक 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 हो रहा है, यानी कि अब हमें स्टेज पे जाना है और थोड़ी देर में आयाज यहाँ पे देखने जजिंग करने वाले हैं फैशन शो को. जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, उन सभी से कुछ कहते जाओ आपके फैंस के लिए, हमारे फ्रेंड्स एफएम के व्यूअर्स के लिए क्या रहेगा मैसेज? मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि जिंदगी में आपको जिंदगी बहुत कुछ दिखाएगी, अच्छे वक्त बुरे वक्त, अच्छा टाइम बुरा टाइम, खुशियाँ दुख जो भी है, नो मैटर व्हाट, जो भी ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, द आइडिया इज टू कीप वॉकिंग एंड कीप गोइंग अहेड, एंड सारे मसले हल हो जाते हैं वक्त के साथ. जाते जाते एक शायरी हो जाए, क्योंकि बहुत अयाज बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने जरूरी नहीं भी पढ़ा था, कोई भी एक शायरी आपके तरफ. एक बहुत छोटी सी दो लाइन है, सिंस वैलेंटाइन डे, और इस बार मैंने नोटिस किया है, पता नहीं ये हवा में चल रहा है कोरोना वायरस के तरह, कि लोग कपल ज्यादा कम बना रहे थे और सिंगल ज्यादा परेशान थे कि यार जिंदगी में कोई नहीं है, हमारे हार्ट ब्रेक है. तो एक छोटी सी लाइन है जो मैंने लिखी, बहुत प्यारी सी है. इश्क में वजूद हमारा अधूरा हुआ, इश्क में वजूद हमारा अधूरा हुआ, जब टूटा दिल तो इश्क पूरा हुआ. अरे वाह, क्या बात, क्या बात है. बिना हार्ट ब्रेक की कोई इश्क मुकम्मल नहीं होता. बिल्कुल सही बात है. थैंक यू सो मच यार फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए. एक छोटा सा इंटरव्यू था क्योंकि बहुत बिजी हैं, लेकिन इसके बीच में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एफएम को समय दिया है. इसके लिए थैंक यू सो मच ब्रदर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट. आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे चैलेंज. मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह मैं कलकत्ता आते रहूँ, आपसे मिलते रहूँ. बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.